दुबई के लिए एक हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर का इंटरव्यू चल रहा था। उस इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन कैंडिडेट समझ नहीं पाए, स्टूडेंट समझ नहीं पाए, जिसके वजह से उन्हें वापस आना पड़ा। वो क्या था? सिविल लॉ क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। सिविल लॉ क्या है? आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ की पढ़ाई होती है। जब भी आप हेल्थ सेफ्टी कोर्स करने जाते हैं या फायर सेफ्टी कोर्स करने जाते हैं, तो पूरा एक एक सेक्शन है, लॉ का सेक्शन है, जो अप्लाई कहाँ होता है? सेफ्टी पे, हेल्थ एंड सेफ्टी पे अप्लाई होता है, फायर एंड सेफ्टी पे अप्लाई होता है। तो उसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही सिविल लॉ क्या है, आप इसके टर्म्स को बता दीजिए। व्हाट इज द सिविल लॉ, ये क्वेश्चन था। डियर स्टूडेंट, आप ये सुन करके सिविल लॉ अब सब लोगों ने तो पढ़ा है, किया है, लेकिन वहां पे वह एग्जैक्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जब चुप रहे तो फिर इंटरव्यूअर ने क्या कहा, क्या आप सिविल लॉ का मायने जानते हो, इसका नेचर क्या है ये जानते हो? फिर भी किसी ने कुछ भी नहीं बोला। अब प्रश्न उठता है कि आप उसके बारे में डेफिनेशन नहीं जानते, सिविल लॉ किसे कहते हैं, उसके बाद उसका नेचर आप नहीं जानते, तो फिर कैसे उम्मीद किया जाए कि आप एक परफेक्ट सेफ्टी ऑफिसर हो सकते हैं, चाहे वह हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर की मैं बात करूं या फायर सेफ्टी ऑफिसर की। तो डियर स्टूडेंट, जो सिविल लॉ का टर्म्स यूज किया जाता है, मैं बताता हूं क्या क्या करना है और क्या ध्यान रखना, बहुत ईजी है। सिविल लॉ ये क्या है? सिविल लॉ जैसे ये तो पता चल रहा है कि यह एक नियम है, ठीक है, यह एक सेक्शन है। सिविल लॉ क्या है? एक सेक्शन है, ठीक है, एक लॉ है, एक नियम है। अब बारी आती है किस पे, किस चीज को ये फॉलो करता है, क्या चीज होना चाहिए साबित करने के लिए कि सिविल लॉ ही है, दूसरा क्रिमिनल लॉ नहीं है। तो सिविल लॉ के लिए साबित करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें एक शब्द जो होता है, डील विद डिस्प्यूट, याद रखिएगा, डील विद डिस्प्यूट, ये शब्द होगा विवादों का निपटाना या विवादों को निपटारा, विवाद के लिए सुनवाई करना, ये वर्ड है उसके लिए यूज किया जाता है क्या, डील विद डिस्प्यूट। यह दो लोगों पे लागू होता है, दो लोगों पे लागू हो सकता है, कैसे, इंडिविजुअल इट मींस व्यक्ति विशेष, और दूसरा किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी, कोई संस्थान, दोनों ही चीजों पे ये लागू हो सकती है, ठीक है। तो याद रहेगा कि सिविल लॉ क्या है, सिविल लॉ एक ऐसा लॉ है जो ये बताती है हमारे व्यक्तिगत अधिकारों को बताती है, उस पे लगाए गए आरोपों के लिए वह, और दूसरी बात जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है उसके लिए भी सिविल लॉ का यूज किया जाता है। लेकिन इसके लिए इसमें होना चाहिए क्या, कोई ना कोई विवाद होना चाहिए, अगर विवाद नहीं है तो फिर वह सिविल लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा। अब इसके बहुत से टर्म्स आ जाएंगे, बहुत से क्वेश्चंस जनरेट हो रहे होंगे, लेकिन मैं यहां जो बात कर रहा हूं वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट से बात कर रहा हूं, यानी फायर सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, एनवायरमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड इन लॉ की बात कर रहा हूं। अगर इस लॉ को मैं अगर सोशल के रूप में देखूं तो वहां पे शायद इसका नेचर कुछ और होगा। तो यहां ये सब कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल बेस जो एलिगेंस लगते हैं उनके आधार पर सिविल लॉ की मैं बात कर रहा हूं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या पहला शब्द होना चाहिए, डील विथ डिस्प्यूट, दूसरी बात क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए ये होगा, और इसमें कोई ना कोई विवाद, चाहे आपका विवाद कंपनी से हो, कंपनी का विवाद आपसे हो, आपका पेमेंट का विवाद, जो भी विवाद हो वह सिविल के अंतर्गत देखा जाता है। जी हाँ, सिविल के अंतर्गत देखा जाता है। अब ये प्रश्न उठेगा, सर सिविल ही है तो क्रिमिनल लॉ क्या है? तो जी हाँ, इसके लिए आपको मैंने एक पूरा एक दिया हुआ है, एक लेक्चर है, आप देखिए कि क्रिमिनल लॉ के लिए किन किन बातों की जरूरत पड़ती है और किन बातों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सिविल लॉ में किस चीज के ऊपर, डील विथ डिस्प्यूट होना चाहिए, कोई विवाद होना चाहिए, चाहे वह इंडिविजुअल हो चाहे वह ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो। तो सीधी सी बात, जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि सिविल क्या है, सिविल लॉ क्या है, तो सीधा सा आपका जवाब होना चाहिए कि सर इट इज अ टाइप्स ऑफ लॉ, यह एक तरह का नियम है, एक तरह का कानून है, जो हमेशा किस पे अप्लाई होगा, इंडिविजुअल पर भी अप्लाई होगा और ऑर्गेनाइजेशन पे भी अप्लाई होगा, जबकि अगर इन दोनों में कोई विवाद है तो, अगर क्वेश्चन हो जाए कि अगर विवाद नहीं है तो क्या अप्लाई नहीं होगा, डेफिनेटली नॉट, कभी नहीं अप्लाई होगा। अगर विवाद नहीं है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर सिविल क्लेम क्यों करेंगे आप,
आप मुआवजा के लिए करते हैं ना किसी पर क्लेम, एक छोटा सा एग्जांपल में बताऊं, आप मुआवजा के लिए करते हैं, कंपनसेशन के लिए क्लेम करते हैं, तो उस क्लेम में स्पष्ट रूप से कहा जाता था कि मैं एक एम्प्लॉई हूं और मैं ये सारी चीज को फुलफिल करता हूं, इसके अकॉर्डिंग मुझे मुआवजा मिलना ही चाहिए, वो कहा जाता है सिविल क्लेम्स होता है आपका। तो डियर स्टूडेंट, अगर बात करेंगे बहुत सारी चीजों की, मकसद ये था सिविल के टर्म्स को आपको समझाना कि सिविल का टर्म्स क्या है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी ट्रेनिंग लीजिए, जब भी, तो कुछ चीजों को जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें जॉब भी लेना होता है, हमें नौकरी भी करनी होती है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।